नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील यादव और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन सेवा यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि TVS अपाची 160 CC 2021 मॉडल को अगर आप खरीदते हैं, अगर आप उसके मीटर में यहाँ पे टाइमिंग बताता है, अगर इसमें जो है आपका टाइमिंग गड़बड़ होता है तो आप इसे खुद से कैसे सेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप ये काम करना नहीं जानते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है अपनी एजेंसी पर, तो एजेंसी पर आपको ठीक करके दे दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, इसका टाइमिंग बार बार कभी भी ऑन ऑफ करने से या फिर किसी भी दौरान हमारा जो टाइम है वो गड़बड़ हो जाता है, तो आप खुद से कैसे सीट ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करंट टाइम दिखा देता हूँ कि अभी समय क्या हो रहा है। यहाँ से मैं अपना फोन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7:42 हो रहा है और ये PM है, 7:42 PM यानी शाम का सा समय है ये। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस मीटर में यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बटन में लिखा हुआ है M और दूसरे वाले बटन में लिखा हुआ है S। तो फिलहाल मैं इस फ्लैश लाइट को ऑफ कर देता हूँ, वरना आपको ये स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यम वाला जो बटन है इसको थोड़ी देर तक हम प्रेस करके रखेंगे जब तक ये हमारा जो टाइम है ये ब्लिंक ना करने लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा टाइम है ये अभी हमारा ब्लिंक करने लगा है। अब हमको प्रेस करना है यस वाला बटन। यस वाला बटन जो है इसके राइट साइड में है, तो हम यहाँ से यस वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल जो 11 लिखा है, 11 है, ये जो घंटे का जो नंबर है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यस वाले बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे 12 हो गया, फिर प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4 प्रेस करते जाएंगे जब तक हमारा आवर ठीक ना हो जाए। अब यहाँ पे 7 आ गया है, यानी 7:00 कितना हो रहा है अभी यहाँ पर 7:43। ठीक है, हमारा आवर ठीक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यस वाले बटन को फिर प्रेस करेंगे, अभी हमारा मिनट वाला जो है ये ब्लिंक कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको प्रेस करते जाएंगे और ये जब तक हमारा मिनट ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इसको प्रेस करते रहेंगे। यहाँ पे 7:44 हो गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 7:44 है, अभी हमारा ठीक हो गया। लेकिन ये PM है, यहाँ पर AM शो कर रहा है, तो इसलिए हम एक बार फिर से इसको प्रेस करेंगे यस वाले बटन को। यहाँ पर AM है, यहाँ पे AM वाले बटन को प्रेस कर देंगे, ये PM हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो समय है वो यहाँ से ठीक हो गया है, 7:44 इसमें भी हो रहा है, 7:44 इसमें भी हो रहा है। अब हम यस वाले बटन को प्रेस कर देंगे, अब ब्लिंक करना बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मीटर को एक बार बंद करेंगे और फिर दोबारा से चालू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा समय ठीक हो गया है। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारा ऑनलाइन सेवा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।